सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला, कक्षा 5वी, विषय हिंदी, व्याकरण, वर्णमाला। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला का परिचय करने वाले हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें भाषा की वर्णमाला और उस वर्णमाला की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आज हिंदी वर्णमाला हम सीख रहे हैं। इस वर्णमाला के 3 भाग हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन और तीसरा भाग है संयुक्त व्यंजन। इसमें से पहला भाग स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूरे 13 स्वर होते हैं। वो स्वर कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा रु, ऐसे कुल मिला के 13 स्वर इस वर्णमाला में होते हैं। वर्णमाला का दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी अभी हमने स्वर पढ़े, ये स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन नीचे दिए हुए हैं। क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। इस तरह से हिंदी वर्णमाला के ये सभी व्यंजन हैं। इसमें ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर इसे बिंदी वाले शब्द प्रयोग में ये बिंदी वाले अक्षर भी हिंदी में लगाकर शब्दों को लगाकर पढ़ते हैं। वर्णमाला का तीसरा प्रकार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष त्र न्य और श्र ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें प्रत्येक व्यंजन को दो अलग व्यंजनों के मेल से ये व्यंजन बने हुए हैं। जैसे क्ष व्यंजन क और श इनके दो व्यंजनों से मिलकर क्ष बना हुआ है। ज और त्र इन दो व्यंजनों से मिलकर ज्ञ बना हुआ है। त और र से मिलके त्र और श और र से मिलके श्र ये ऐसे संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं। इस तरह आज हमने हिंदी वर्णमाला का परिचय लिया है। आप यह वर्णमाला फिर से एक बार दोहराएंगे। धन्यवाद।